Now it should be fine. We are live. Please let me know that everything is fine. ओके okay. सो so, कुछ टेक्निकल इशू था है ना स्क्रीन हमारी ब्लैंक आ रही थी इट शुड बी ओके नाउ लेट्स बिगिन द क्लास दिस इज़ आर डेली करंट अफेयर डेली न्यूज़ एनालिसिस प्री और मेंस के परस्पेक्टिव से हम यहाँ पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं फाइन uh, तो जो भी इंपॉर्टेंट इशूज़ होते हैं प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग वो भी हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स जो हैं वो भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं रिगार्डिंग टूडेज ओके टॉपिक्स आर पे एक uh, लंबा चौड़ा आर्टिकल है आर टी आई आप सभी जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन कितना अभी भी इफेक्टिव है किस तरह से इसमें अभी इशूज बने हुए हैं कैसे उनको इशूज को सॉर्ट आउट करके और इफेक्टिव बना सकते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं आगे भी पूछे जा सकते हैं और जी एस पेपर फोर के लिए भी इंपॉर्टेंट है पेपर टू और पेपर फोर गवर्नर एज ए चांसलर इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी चली रही है पहले तमिलनाडु में था अभी केरल के अंदर इशू है तो इसमें देखेंगे यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट क्या कहता है फाइन और क्या यहाँ पे सेंटर वर्सेज स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट बने हुए जी एस पेपर टू है उसके अंदर फेडरल रिलेशन है उससे लिंक करोगे काशी तमिल संगम ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है इंडीड जो ये काशी तमिल संगम है आज पूरा हो जाएगा कंक्लूड होगा तो किस तरीके से इस ये जो हमारी सिविलाइजेशनल एक जो हमारी लिगेसी है या हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है जिसको हम भुला चुके हैं पाइन उसको वापस से रिवाइव करने की बात की जा रही है और लोगों को इमोशनल है ना एक वो जो है बॉन्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा और बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहा है बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये आर्टिकल साइंस एंड टेक पे दो न्यूज़ हैं थोड़ा सा एक ए न्यूरिज्म क्या होता है अग्नि फाइव को हमने ये किया है तो इसमें बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज को देखेंगे यू एन रिकॉगनाइज नमामी गंगे प्रोजेक्ट अमंग द टॉप टेन मेजर फ्लैगशिप इनिशियेटिव उसके अंडर में एक्सक्यूज़ मी तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एट्टी वन बॉन्ड्स को लेकर एक छोटी न्यूज़ है तो ये सारी टॉपिक्स हम आज न्यूज़ में कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन की अगर हम चर्चा करें प्लीज़ डू शेयर द सेशन ताकि सभी बच्चे हमें ज्वाइन कर लें फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए दिस इज अबाउट है न कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन से कैसे डील करते हैं टाल मटोली कि कल करेंगे कल करेंगे और काफ़ी हम देखते हैं कि वो जो एक नॉर्मल हम अगर ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें वो रहती ही है तो उसको कैसे हम डील कर सकते हैं ना कोई भी चीज़ हम डिसाइड कर रहे हैं तो कई बार होता क्या है कि हम बहुत ज़्यादा उस पर ओवर थिंक करते हैं तो ओवर थिंकिंग नहीं करके हम एक्शन लें ठीक है दिस शुड बी द पार्ट एक्शन अगर हम लें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फटाफट से उसको एग्जीक्यूट करें है ना तो धीरे 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 एक हम मोमेंटम uh, बना सकते हैं और चीज़ों को कर सकते हैं चलिए शुरू करेंगे और पहले तो शुरू में थोड़े से एमसी ले लेते हैं प्रॉब्लम्स के लिए एटी वन बॉन्ड्स आपका चर्चा में ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द एडिशनल टायर वन बोन्स एडिशनल टायर वन बोन्स जो होते हैं जिनको एटी वन बोन्स कहते हैं इसको लेकर आज भी न्यूज है आपकी ठीक है तो क्या होते हैं बॉन्ड का मतलब होता है एक तरह का बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट जिन बच्चों को नहीं पता है अभी मैं बता दूंगा अगर आपको आता है तो इसको आंसर कीजिए ये पहले भी चर्चा में रहे हैं जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है प्रॉब्लम्स के अंदर यू में है ना तो क्या ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं क्या इनको कोलेटराइज नहीं किया गया है क्या अनसिक्योर बॉन्ड ये रहते हैं क्या इनकी कोई मेचोरिटी डेट नहीं होती है जैसे क्या होगा कि एक साल है दो साल है या फिर परपेचुअल होता है तो आप देखोगे इसमें जो 81 बॉन्ड्स हैं बॉन्ड का मतलब होता है बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर किसी को उधार लेना है तो वो बॉन्ड इशू करेगा सरकार को उधार लेना है सरकार बॉन्ड इशू करती है किसी कॉरपोरेट को उधार लेना है है ना बिजनेस हाउस को तो वो भी इस तरह से कॉरपोरेट बॉन्ड इशू करता है तो बॉन्ड इशू करेगा आपको वो कागज़ का पेपर मिलेगा और मान लीजिए सौ का बॉन्ड है आप उसको सौ देंगे तो आप खरीद क्यों रहे हैं बॉन्ड क्यों क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट कूपन रेट ऑफर किया जाता है बॉन्ड क्या होते हैं अगर इनको कॉलेटराइज़ किया गया है है ना तो इसमें तो ये दोनों ऑप्शन ही सही हैं सी आंसर है अगर इनको कॉलेटराइज किया गया है मतलब किसी चीज़ से बैक किया गया है तो ये क्या होंगे सिक्योर्ड होंगे लेकिन एटी वन जो बॉन्ड्स हैं इस केस के अंदर ऐसा नहीं है ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं और इनको इशू क्यों किया जा रहा है एटी वन का मतलब हो गया ये जो है एडिशनल टायर वन है ना टायर वन बॉन्ड्स तो देखिए बैंकों को क्या होता है कुछ पैसा अपने पास रखना होता है जैसे किसी बैंक के पास में सौ रुपए है तो वो ऐसा नहीं है सौ के सौ रुपए आगे उधार दे सकता है कुछ पैसा अपने पास रखना होता है और उसी में जो उसकी कैपिटल होती है ना उसके अंदर जो कोर कैपिटल है उसकी मेन कैपिटल है जो उसके प्रॉफिट हैं इक्विटी है, है वगैरह उसे हम कहते हैं टायर वन कैपिटल तो जो टायर वन कैपिटल अगर बैंक के पास कम हो रही है है ना कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसमें उसको टायर वन कैपिटल का इतना परसेंट लेटस से फोर पॉइंट फाइव परसेंट रखना होगा अगर ये टायर वन कैपिटल थोड़ा सा ये इस तरह से कम हो रहा है तो बैंक क्या करते हैं ये एटी वन बॉन्ड इशू करते हैं और अपनी जो टायर वन कैपिटल है इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कम पड़ रहा है क्लियर तो इस पर्पस से बॉन्ड 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 एडिशनल टायर वन इशू किए जाते हैं ये अनसिक्योर्ड है परपेचुअल टेन्योर होता है मतलब फिक्स नहीं है एक साल दो साल इनमें कॉल ऑप्शन होता है जिस बैंक ने इशू किया है वो जब कॉल ऑप्शन करेगा है ना मान लीजिए दो साल में किया तो तभी उसको मान लिया जाएगा कि हाँ ये इसका मेच्योर हो गया सो दे हैव दिस कॉल ऑप्शन इसको लेके चर्चा है एस ने जो है एस बी करोड़ के एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स जो है इस तरह से आ, Uh, दस हजार करोड़ रुपए एडिशनल टायर वन बॉन्ड के माध्यम से रेज करना चाह रहा है इतने सारे पैसे रेज करना चाह रहा है ताकि उसकी टायर वन कैपिटल बढ़ सके तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं जनरल स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट कि क्या होगा है ना तो उसमें परेशान नहीं होना है फॉलोइंग आर द टॉक्सिक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड इन द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कौन कौन से टॉक्सिक एलिमेंट हो सकते हैं इस क्वेश्चन में अपना कॉमन सेंस यूज कर लेना और अगर आपने पहली बार पढ़ाया क्वेश्चन को स्टिल यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन करो क्वेश्चन को और यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर अगर आप देखोगे ना तो ऐसे कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बहुत सारे हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर कौन-कौन से ये जो हैं टॉक्सिक एलिमेंट मिल जाते हैं आपको कौन-कौन से टॉक्सिक एलिमेंट मिल जाएंगे सारे बच्चे इसको आंसर करो जिसने पहली बार पढ़ा है ना वो भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज करो वट शुड भी द आंसर वट शुड बी द आंसर हियर इतने सारे बच्चे हैं आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आंसर आई एम लुकिंग एट द कमेंट सेक्शन ट्राई टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स ऐसा नहीं मन में सोच लिया ठीक है मन में आपने सोच लिया देखो होता क्या है थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर रहता है ना आ, तो वो होना चाहिए थोड़ी सी प्रोएक्टिविटी आपको दिखानी होगी बी सी डी वी आर गेटिंग ऑल काइंड ऑफ रेस्पॉन्सेज देखो इसके अंदर ये जो आपने हो सकता है पॉलीब्रोमिनेटेड पोलीब्रोमिनेटेड का नाम पहली बार सुना हो क्रोमियम कैडमियम के नाम सुन रखे होंगे है ना लेकिन यूरेनियम का नाम तो बच्चे बच्चे ने सुना हुआ है है ना ऐसा एक भी बच्चा नहीं होगा जिसने यूरेनियम का नाम नहीं सुना है तो यूरेनियम क्या है ये रेडियो एक्टिव है या नहीं है ये तो सर रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट में कैसे डालोगे तो रेडियो एक्टिव वेस्ट है यूरेनियम हो गया क्लियर तो आप देखोगे इसमें फोर्थ फोर्थ जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में नहीं आएगा तो पहले ऑप्शन में भी फोर है सेकेंड में भी फोर है थर्ड में भी फोर है केवल आपके पास एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर यूरेनियम नहीं दिया गया है तो इसलिए मैं कह रहा था अपना जो प्रजेंस ऑफ माइंड है इसको यूज़ करिए हर साल ऐसे क्वेश्चन होते हैं इर रेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर पिछले दस साल के पेपर उठा के देखना आपको एक दो नहीं काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें एलिमिनेशन से आपको आंसर आ रहा है And आपको डराने के लिए इस तरह से डिफिकल्ट ऑप्शन रखेगा बट स्टिल यू कैन गेट दर प्रेजेंस ऑफ माइंड वो डिलीबरेटली रख रहा है क्योंकि उसको चाहिए कि बच्चा प्रेशर के कैसे परफॉर्म करता है प्रेशर हैंडल करता है नहीं करता है एक और क्वेश्चन लेंगे सेक्शन वन फोर्टी फोर नाम तो सबने सुना ही होगा है ना सी का धारा एक की बात कर रहे हैं तो धारा एक अगेन पहले जो हमने बात की ना वो उसको यूटिलाइज़ करना चाहे आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया होगा ना कहीं न्यूज़ पेपर में अच्छा धारा एक सौ चम्बालीस लगी है तो उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है क्यों लगाते हैं अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो ये बेसिक नॉलेज आपके पास होती है सो ट्राई टू अप्लाई दैट नॉलेज पार्ट एक सौ चम्बालीस कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सुबह सुबह दौड़ा दिया आपने एम सी क्यू वाली एक्सरसाइज पहले करके हाँ जी यूरियनियम रेडियो एक्टिव है तो वो ई वेस्ट में कैसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में कैसे क्लासिफाई करोगे उसको so, सो धारा एक कब लगाई जाती है दिस ऑर्डर कैन बी पास अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट में तो पास हो सकता है लेकिन जनरल पब्लिक के अगेंस्ट में पास नहीं हो सकता है तो so, धारा एक सौ आपने बचपन में स्कूल में भी सुना होगा पेपर में पढ़ा होगा है ना गैदरिंग अलाउ नहीं होती है ना कि मान लीजिए कोई टेंस सिचुएशन है तो गैदरिंग अलाउ नहीं करते हैं रैली निकालना वगैरह कुछ

जिसके अंदर क्या होगा प्रपोर्शन की हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई क्राइम है जैसे मान लीजिए किसी ने चोरी की है मान लीजिए किसी दुकान से कुछ सामान चुरा लिया तो उसको आप फांसी की सजा नहीं दोगे ना क्लियर तो उसी बेस पे हम बात करें तो धारा एक का अगर कुछ उल्लंघन है कुछ भी हुआ है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही आपको हो जाएगा है ना उसके अकॉर्डिंग क्राइम के अकॉर्डिंग उसी डिग्री के अकॉर्डिंग सज़ा वहाँ दी जा रही है तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ रीज़न लगता है स्टेटमेंट है ना यू कैन एलिमिनेट दैट ऑल्सो एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर सी जिन बच्चों ने सी आंसर किया बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर किया है है ना वी एव निशांत मेविश तौरल मुस्कान ग्रेट तो बस आपको ये जो थोड़ा सा एप्टीट्यूड है इसको हम क्या कहते हैं ऐप्टीट्यूड ठीक है आपने पढ़ा है लेकिन उसकी प्रैक्टिस को करना उस एप्टीट्यूड को है ना उस, उस चीज़ को देखना कि हाँ ये कहाँ पर मुझे कन्फ्यूज़ कर रहा है कैसे कर रहा है उस चीज़ को समझना वो भी इम्पॉर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं आज हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको शुरू करेंगे और दिस इज अ अफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी माय नेम इज राहुल भरद्वाज जो फ्री आपकी स्पेशल क्लास हो रही है अभी रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी ये वाली सीरीज चल रही है तो इसको 12 बजे क्लास होती है आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपका ये टेलीग्राम चैनल है इस पर आता है या फिर आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं अन से आप जुड़ सकते हैं टूडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस डिस्काउंट फोर्टी तक के डिस्काउंट आपको ऑफर किए जा रहे हैं ज्वाइन करने का फायदा क्या है सारी चीज़ें एक ही जगह पे चाहे वो आंसर राइटिंग हो टेस्ट सीरीज हो अनलिमिटेड प्रैक्टिस हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स हो डाउट सॉल्विंग है सब एक जगह पे है यूज़ द कोड आर बी ए लाइव ई टू गेट दिस डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड आर बी लाइव टू गेट द पर्सनल गाइडेंस चलिए शुरू करेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक है पी डी एफ यहाँ पे अपडेट हो जाता है शाम तक अपडेट होता है ना बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है तो शाम तक आपका पी डी एफ अपडेट हो जाता है पेपर टू पे आए हम उससे पहले पहले वो काशी वाला आर्टिकल लेते हैं क्योंकि वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अलग एक पर्स्पेक्टिव देता है जनरली ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है एग्जाम में तो पूछते हैं लेकिन वो कॉन्टेंट नहीं मिलता है तो इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं कि काशी तमिल जो संगम है वो सेलिब्रेट कर रहा है कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स इंडिया की जो कल्चरल uh, हेरिटेज है बहुत रिच है है ना बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज है हमारा लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमने उसको भुला दिया है है ना या फिर हम उसके लिए बिल्कुल कोई केयर नहीं कर रहे हैं उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं इतनी रिच हेरिटेज की तो उसी की परस्पेक्टिव में ये है और जो काशी तमिल संगम है फाइन जो आज कंक्लूड होगा आप देखेंगे कल के पेपर में भी न्यूज आएगी लेकिन ये आर्टिकल हमें आज इस तरह से मिला है तो इसको कवर कर रहे हैं काशी इज द कल्चरल कैपिटल काशी आप सभी जानते हैं है ना उत्तर प्रदेश के अंदर है और ज्योतिर्लिंग भी है आउट ऑफ ट्वेल्व ज्योतिर्लिंगास वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग इज देयर और एक आप देखेंगे तमिलनाडु में है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तो ये कह रहे हैं देखो काशी कल्चरल कैपिटल है इंडिया की जबकि तमिलनाडु या तमिल कल्चर की हम बात करें तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लोरी एंड एंटीक्विटी है ना आज यहाँ पे इंडिया का पूरा जो पुराना कल्चर है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं सेलिब्रेट करते हैं एंड uh, ये मैसेज है कि इंडिया इज़ यूनाइटेड कंट्री इसके माध्यम से हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंडिया जो है एक यूनाइटेड कंट्री है इसके ट्रेडिशन्स हेरिटेज जो है ये काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं फाइन और दोनों ही अगर हम बात करें चाहे काशी की बात करें चाहे तमिलनाडु की बात करें दोनों ही इंडिया के कल्चरल सिविलाइजेशन के सेंटर्स हैं है ना अब आप देखोगे कि आ, मोदी जी ने काशी को तो बहुत डेवलप भी किया है एक इंटरनेशनल स्टेज पे वो उभर के आ चुका है क्लियर अगर हम बात करें काशीज़ ग्लोरी हैज बीन रिस्टोर्ड एज द ग्लोबल सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड कल्चर जिन बच्चों को नहीं पता काशी वाराणसी बनारस एक ही सिटी के नाम है दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है ना जो हजारों हजारों साल से लगातार कंटिन्यूसली आज भी इस तरह से चल रही है है ना कंटिन्यूसली इनहेबिटेटेड है यहाँ पे लोग लगातार हजारों सालों से रह रहे हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ये है तो इसको सेंटर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म और इसके रूप में तो हमने उभारा अब काशी तमिल संगम जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से गवर्नमेंट यहाँ पे प्रयास कर रही है कि हम जो बॉन्ड है, है ना उसको और स्ट्रॉन्ग करें नॉर्थ वर्सेज साउथ की ये रहती है हमेशा डिविजन क्रिएट करने का प्रयास होता है तो इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं दोनों के जो बॉन्ड है उसको स्ट्रांग करने का प्रयास कर रहे हैं ठीक है दोनों के उसको बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ दिज काइंड ऑफ इनिशियटिव लाइक काशी संगम मेक द पीपल अवेयर ऑफ द proximity ऑफ द टू सेंटर्स एंड ब्रिंग द यंग जनरेशन यंग जनरेशन क्लोजर टू द ग्रेट इंडियन traditions। जो यंग जनरेशन कहीं ना कहीं उनको पता नहीं है है ना कि इस तरह से क्या है हमारी जो वैल्यूज है क्योंकि देखो एक तो बहुत इतना वास्ट है ना कि एक समरी के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कुछ मिल जाए तो पता हमें चलेगा तो एक उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि इंडिया के जो ट्रेडिशंस हैं उसके बारे में यूथ को बताना उनको क्लोज लेके आना हमारी आर्ट कल्चर रिलीजन के बारे में उस परस्पेक्टिव को कन्वे करना काशी को हम देखें तो बर्थ प्लेस और कर्म भूमि वर्क प्लेस है चाहे काशी की बात करें तमिलनाडु की बात करें बहुत बड़े बड़े आचार्य वहाँ रहे काशी की अगर हम बात करेंगे तो तुलसीदास जी हैं या फिर और बहुत सारे इस तरह के बड़े सेंट हुए या सेजेस हुए इसी तरह से तमिलनाडु में सेंट तिरुवल्दूअर हैं तो दोनों जगह पे जो स्पिरिचुअल एक हेरिटेज है है ना उसको भी ये रखते हैं और काशी तमिल संगम ने क्या किया है हेल्प्ड टू ब्रिंग द हिंदी एंड तमिल स्पीकिंग पीपल क्लोजर हमेशा से ये लड़ाई रही जब इंडिया आज़ाद हुआ तब भी है ना नॉर्थ वर्सेस साउथ रहा या साउथ ने कहा कि एंटी हिंदी इस तरह से हिंदी हमें इम्पोज मत करो तो वो कुछ डिवीज़न्स वहाँ पर रहे लेकिन कहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर डिवीज़न की पॉसिबिलिटी बन रही है कुछ ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ पे हम साथ आके आगे बढ़ सकें सो हियर लाइज दिस अपॉर्चुनिटी है ना हमारा जो कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज है जहाँ पे हम सबको साथ ला सकते हैं तो हिंदी तमिल स्पीकिंग पीपल को पास ला रहे हैं आप देखोगे का काशी के अंदर भी आ, आ, एक बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो तमिल ऑरिजन की है वो वहाँ पे हैं इस तरीके से और काशी तमिल संगम सिग्निफाइज की हमारी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है रहन सहन के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं बट अल्टीमेटली वी ऑल आर इंडियंस है ना वी हैव टू रिमेंबर टू रिमूव द लिंग्विस्टिक डिफरेंसेज एंड एस्टेब्लिश द इमोशनल यूनिटी दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल यूनिटी दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया है पूरा इंडिया एक है बट ये जो इमोशनल मतलब अंदर से ये जो फीलिंग है कि हम एक हैं दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें एक जो देती है ना जो अंदर से एक स्प्रिट देती है आगे बढ़ने की साथ होके आगे चलने की तो ये इमोशनल यूनिटी को इंक्रीज कर रहे हैं एंड हियर लाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव वो बहुत पावरफुल इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं वी शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ये कह रहे हैं तमिल संगम को हम नेक्स्ट टाइम कच्छ में करेंगे क्योंकि जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का वहाँ से काफ़ी लोग तमिल गए या तमिल से वहाँ पे वो इंटरेक्शन भी है तो उसको भी ये उस पोटेंशियल को भी यूटिलाइज करना चाह रहे हैं एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि हमेशा इंडिया इंडिया की जो स्परिचुअल हेरिटेज है ना उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया को यूनाइट करने में तो बारह ज्योतिर्लिंग का आपने नाम सुना होगा हिंदुज़म के अंदर बारह ऐसी जगह हैं जहाँ पे लॉर्ड शिवा के है नहीं, नहीं, जिनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं पे, सोमनाथ पे तो आ, ये कह रहे है कि हम हमेशा से हमारी जो ट्रेडिशन है, उसमें हम सुबह उठते ही है ना हमारा जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है वो क्या करता है हमें स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ द कंट्री के बारे में बताता है तो पहले लोग इस तरह से उच्चारण करते थे सौराष्ट्र अब इसको रट्टा नहीं मारना है दिस इज जस्ट टू गिव यू कास्पेक्टिव यू कैन मैं ऑल्सो ये कह रहे हैं देखो सौराष्ट्र सोमनाथम टू सेतु बंदर रामेश्वर है ना इस तरह के चांद से लोगों की शुरुआत होती थी नहाते थे तो ये कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन दे रहा है कि देखो यहां से यहां तक इंडिया एक है वो यूनिटी यहाँ पे है सो दिस इज वेरी यू कैन से अ सेंस हियर और आज हम अगर उसको रिवाइव करते हैं तो इंडिया के अंदर जितने भी डिविजि फोर्सेज है ना उनको हम इस तरह से हटा सकते हैं इंडिया को यूनाइट कर सकते हैं और हमारा जो एक एटीट्यूड है है ना एक निगलेक्टफुल जो एटीट्यूड है हमारे ट्रेडिशन आर्ट के बारे में हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में उसको भी इस तरह के इनिशिएटिव के माध्यम से आ, डील किया जा सकता है ना एक बहुत प्रोडक्टिव वे में डील किया जा सकता है तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आर्टिकल बहुत अच्छा है इंडीड एस के अंदर पेपर फोर जी पेपर वन में बहुत हेल्पफुल ये रहेगा और इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ याद करने का नहीं है कि आप कुछ रट्टा मारो या ऐसी ऐसी कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं लगेगी अब हम आ जाते हैं हमारे जो पहले वाले टॉपिक्स हैं वी हैव दिस जी एस पेपर टू और जी एस पेपर फोर तो इसके नोट्स आपको कहाँ बनाने हैं आपका जो रजिस्टर है जी एस पेपर टू वाला उसमें नोट्स बनाने हैं जो बच्चे नए हैं मेक श्योर कि आप दो रजिस्टर लेके बैठे साथ में पी भी आपको मिल जाता है शाम तक लेकिन आप रनिंग नोट्स बनाने की आदत डालो और बहुत सारे पुराने बच्चे हैं जो ये एग्री करेंगे कि हाँ सर पहले नहीं बनते थे रनिंग नोट्स लेकिन जब आपका लेक्चर चला है ना

कि जो जनरल पब्लिक है सिटीजन है उनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाएगा है ना एज ए लीगल राइट उनको दिया जाएगा उनके हक के रूप में कि अगर वो कुछ मांगते हैं किसी बारे में इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं हुआ कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए है, है ना तो सरकार के किसी भी ऑफिस में सरकार से संबद्ध किसी भी ऑफिस में उनको वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी अंडर द आर एक्ट टू तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है इसके अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन का उनको दिया गया क्लियर और अगर हम बात करें यहाँ पे तो नॉर्मल जो सिचुएशन है उसमें तीस दिन में आपका मिलता है कुछ बहुत इमरजेंसी लाइक like है उसमें फोर्टी एट आवर्स में इंफॉर्मेशन के प्रोविजन हैं तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं ये यह आर्टिकल यहाँ पे क्या चर्चा कर रहा है ये यह आर्टिकल यहाँ पे चर्चा कर रहा है कि आरटीआई अभी भी इफेक्टिव है तो बिल्कुल आपने इफेक्टिव है कैसे इफेक्टिव है देखो इसको लाया गया था इसका पर्पज था करप्शन को रोकना ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना भ्रष्टाचार को रोकना ट्रांसपेरेंसी मतलब किस तरह से चीज़ें हो रही है ना लोगों को पता हो कि कोई डिसीजन लिया गया है तो क्यों लिया गया है है ना तो डेफिनेटली इसका जो ऑब्जेक्टिव था कहीं पे अचीव हमको हुआ है आप देखोगे बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हैं चाहे हम बात करें आदर्श स्कैम है कॉमनवेल्थ गेम्स वाला स्कैम हो व्यापम स्कैम हो इतने बड़े बड़े स्कैम्स को बाहर लाने में आर का बहुत बड़ा रोल है और अगर मैं अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बताऊँ तो दैट वॉज अराउंड टेन ईयर्स बैक है ना इट वॉज ऑफ Uh, मतलब सी के अंदर uh, एक भैया थे उनके साथ हमें जाना था तो वहाँ पे जाने के बाद मतलब बहुत एक अपने आप में एक्सपीरियंस था कि हाँ जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका ऑफिस है कैसे फंक्शनिंग होती है ना उसको पढ़ रहे थे तो देखने को मिला सो so, वहाँ पे जाके देखा कि काफ़ी सारे जो लोग हैं है ना सेक्शन ऑफिसर बड़े बड़े इस तरह से उनको बुलाया गया है तो वो दे वर डिस्कसिंग लाइक जैसे बच्चों का वाइवा आने वाला होता है ना कि आपको क्या पूछा एंड दे हैड दिस फीलिंग कि यार हमें जवाब देना पड़ेगा है ना कि अकाउंटेबल हैं हम अपने एक्शंस के लिए अगर कुछ चीज़ ऐसा नहीं हुआ है या नहीं है तो वो जो अकाउंटेबिलिटी वाली चीज है उसको आप वहाँ पे देख सकते हो वो प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस उसको किया देखा बात की तो लगा कि हाँ थिंग्स आर देयर है ना फिर जो भी अंदर से बाहर आ रहा है सर के चैम्बर से सी सी वाले से ठीक है उससे पूछा जा रहा है अच्छा आपको क्या हुआ क्या नहीं हुआ समथिंग लाइक दिस सो इट जनरली मेक सेंस है ना अगर आपने बहुत अच्छा ये लॉ बनाया है अगर आप देखोगे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग लेजिस्लेशन ऐसा कानून जो सिटीजनस को एम्पावर करता है उनको वो ताकत दे रहा है कि उनके राइट्स अगर उनको नहीं दिए जा रहे हैं अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं तो उनको वो ले सकते हैं ठीक है ना सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम हमारा जो पैसा है टैक्स पेयर्स का मनी है उसका कैसे यूज किया है कैसे नहीं किया है कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है सो इन दैट सेंस दिस आर राइट टू इंफॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एम्पावरिंग लेजिस्लेशन विदाउट एनी डाउट क्योंकि ये सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन दे रहा है कि टाइम बाउंड मैनर में आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है जिससे सरकार की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है मान लीजिए कोई काम था नहीं हुआ तो आप पूछोगे क्यों नहीं हो रहा है क्या है क्या रीजन है और उस सेंस में उनको एम्पावर करता है अब ये आर्टिकल कह रहा है कि नहीं कुछ इशूज हैं है ना कुछ इशूज हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम डील करते हैं तो इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं है ना और इफेक्टिव बनाया जा सकता है हालांकि अगर आप देखोगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात होती है ना तो बिल्ली कभी नहीं चाहेगी कि मेरे गले में घंटी बांधी जाए तो वो बड़ा अपने आप में डिफ़िकल्ट है बट स्टिल दिस लेजिस्लेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्या यहाँ पे इश्यूज़ हैं और वहीं से सॉल्यूशन निकल के आएगा देखो इशू ये है विद इन द गवर्नमेंट आस्किंग द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इंकरेज है ना गवर्नमेंट के अंदर इसको इनकेज इस तरह से नहीं किया जा रहा हालांकि सुओ मोटू प्रोविज़न है कि अपने आप आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कीजिए पब्लिक डोमेन में मेंटेनिंग डेटा बेस एंड इन्फॉर्मेशन है ना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो आप देखोगे कोरोना के दौरान लोगों ने बहुत सारी लगाई इन्फॉर्मेशन मांगी लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था उस वजह से इशू रहा अभी सेंसस 2021 की जनगणना नहीं हुई है तो डेटा कलेक्शन एक मेजर इशू के रूप में आ रहा है है ना अगर गवर्नमेंट डेटा ही इन्फॉर्मेशन ही इस तरह से कलेक्ट नहीं करेगी तो हाउ द दिटीजन आर सपोज टू गेट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ये दूसरा इशू हो गया क्लियर फिर है हमारे पास में बैकलॉग ऑफ टैकेंड अपील्स है वेट टाइम काफ़ी ज़्यादा है हियरिंग्स के लिए है ना हेजिटेंसी इन पोस्टिंग पेनल्टीज इंक्रीजिंग ओपेसिटी इन द वर्किंग ऑफ कमीशन ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट ने हाईलाइट किए हैं तो ये आपको ध्यान रखने हैं और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी होगा अगर आपके आंसर राइटिंग में ये पॉइंट्स हैं ठीक है तो आपका आंसर वाकई में कॉन्टेंट रख रहा है, है ना वो सब्स्टांस उसके अंदर है कि आप एग्जामिनर को फोर्स करोगे कि उसको मार्क्स देने ही पड़ेंगे गेटिंग दिस डरसाए आर्टिकल्स और एडिटोरियल uh, भी इम्पोटेंट हो जाते हैं कमिश्नर्स हैव बीन प्लेग्ड विद कमिशन हैव बिन प्लेड विदेंसीज काफ़ी सारी वैकेंसीज uh, खाली पड़ी हैं ठीक है ना तो उनको फिल करना पुअर चॉइस ऑफ कमिश्नर्स अनट्रेन्ड स्टाफ एंड नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड हीयर तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड uh, को इम्प्रूव करना ट्रेनिंग परपज के हिसाब से चीज़ों को देना लेक ऑफ अवेयरनेस अवेयरनेस की भी अगर हम देखते हैं थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है तो लोगों को इस बारे में बताना अवेयर करना इस बारे में सॉल्यूशन क्या हो सकता है देखो एक तो ये होगा कि हम लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाएं है, है ना और एक ट्रेनिंग जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है गवर्नमेंट जो ऑफिशियल है उनका ट्रेनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जा सकता है कि, कि किस तरीके से जो सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं है, है ना एक तरह की कोड ऑफ कंडक्ट मतलब गाइडलाइंस हो गई इनको आपको फॉलो करना चाहिए एंड व्हाट एल्स इज देयर क्यों हमें आरटीआई जो रजीम है ये जो कानून है इसको स्ट्रांग बनाने की जरूरत है है ना इसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको डील करने की ज़रूरत है क्योंकि ये जरूरी है फ्रीडम ऑफ द प्रेस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनस हैं है ना ओवरऑल हमारी डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशनस हैं उनकी हेल्थ के लिए पनिश द इरेंटि ऑफिशियल्स जो भी करप्ट ऑफिशियल हैं उनको पनिश करने के लिए ऑटोनॉमी ऑफ द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की इनको इंश्योर करने के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है ये कुछ कमियां हैं इनको इम्प्रूव करोगे तो ये बहुत अच्छा जाएगा ठीक है सो so, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करना है अगेन दिस टॉपिक इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट वैसे तो जीएस पेपर टू में ज़्यादा है लेकिन जीएस पेपर फोर के लिए भी इंपॉर्टेंट है इसको जीएस पेपर टू में नोट्स बना लेना आपको दो रजिस्टर रखने हैं तो दोनों को आप डिवाइड कर लो दो रजिस्टर अपने नोट्स के लिए एक में जीएस पेपर वन हो गया जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारे टॉपिक आ रहे हैं ठीक है और सोसाइटी के टॉपिक्स आ गए और उसी रजिस्टर में आप पॉलिटी आईआर और इनको मेंशन करोगे क्लियर स्कीम्स वगैरह हो गई एक रजिस्टर है जिसमें जीएस पेपर थ्री इकोनॉमी साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इंटरनल सिक्योरिटी ये सारे आएंगे जीएस पेपर फोर एस से रिलेटेड टॉपिक्स है उसको भी इसमें कर लेना तो ऐसा दो रजिस्टर बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी एक और आते हैं केरल यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल है ना केरल क्या कर रहा है कुछ अपने आ, कानून लेके आया है इस तरह से मतलब बिल आया है जिनको कानून बनाया जाएगा और उसमें वो क्या कर रहा है अपने जो चेंजेस हैं है ना स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी जो गवर्नेंस है ना किस तरह से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को गवर्न किया जाएगा फंक्शनिंग होगी उसको थोड़ा चेंज कर रहा है क्या चेंज कर रहा है सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पे जो गवर्नर है नाम आप जानते हैं आरिफ मोहम्मद खान है तो गवर्नर की स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ इश्यूज हैं है ना तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जो गवर्नर हैं उनको रिमूव करें चांसलर ऑफ द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जनरली क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन यूजीसी आप सभी जानते हैं ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये क्या है स्टेटरी बॉडी है स्टेट्यूटरी बॉडी है मतलब एक तरह का वैधानिक निकाय है 1956 का ये जो लॉ है एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा उसके द्वारा यूजीसी आपका एग्जिस्टेंस में आता है और यूजीसी क्या है जो भी हायर एजुकेशन है है ना वहां पे क्वालिटी को उसको देखना उसका रेगुलेशन करना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल तो यूजीसी की गाइडलाइन तो ये कहती है कि जनरली जो गवर्नर है इस तरह से चांसलर होंगे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के है ना और फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो कमिटीज़ हैं उनकी रिकमेंडेशन होगी उसके हिसाब से वो वीसी जो होंगे वाइस चांसलर उनको इस तरह से कर सकते हैं तो अब ये केरल क्या चाह रहा है कि हम जो है गवर्नर को यहाँ पे हटा दें चांसलर वाले इससे अब केरल अकेला नहीं है आप देखोगे तमिलनाडु की भी न्यूज़ थी आई थिंक दैट वॉज़ इन अप्रैल और समथिंग बंगाल का ये इशू चल रहा है गुजरात है तो ये इस तरह से हटाना चाह रहे हैं और इससे क्या होगा गवर्नमेंट को पावर मिल जाएगी टू अपॉइंट द एमिनेंट एकेडमिशियंस एज द चांसलर ऑफ वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ठीक है इसमें ये रीजन क्या दे रहा है देखो तमिलनाडु वाला केस था उसमें उन्होंने कहा कि आप इंटरफेयर कर रहे हो है ना अननेसेसरी का इंटरफेरेंस है और यहाँ पे भी वही केस या रीज़न स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि अननेसेसरी का इंटरफेरेंस हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रीज़न देती है देखो पुंछी कमीशन बनाया गया था है ना सेटअप किया गया था ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको इंप्रूव कर सकें और उसी के हिसाब से हम ये कर रहे हैं कि हम जो गवर्नर हैं उस पर अननेसेसरी का बर्डन हम क्रिएट नहीं करना चाहते हम वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही यहां पे देना चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है तो इससे क्या होगा कि अननेसेसरी की कॉन्ट्रोवर्सीज से हम बच सकते हैं ये इन्होंने रीजन दिया है बट जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सारी पावर अपने पास ले रही है है ना तो जो भी पूरी पावर होगी यूजीसी से आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास इस तरह से जा रही है दिस कुड लीड टू द इरोजन ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज है ना यूनिवर्सिटीज स्टेट यूनिवर्सिटीज की जो ऑटोनॉमी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और फिर यहाँ पे एक तरह से वो हो जाएगा पूरा है ना पॉलिटिक्स विल आल्सो प्ले इट्स वर्क तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो देखते हैं और यू की गाइडलाइंस क्या कहती हैं ये देखते हैं ठीक है देखो यू कह रही है यू जी सी पे हम आए उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन जो है ये क्या है कनकरेंट लिस्ट में है कनकरेंट लिस्ट का मतलब हो गया कि ऐसा सब्जेक्ट जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट है ना राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है तो एजुकेशन आ रहा है कनकरेंट लिस्ट में ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल सेवन है उसमें तीन लिस्ट हैं यूनियन लिस्ट जिसके अंदर कम्युनिकेशन है डिफेंस है, है है ना एक्सटर्नल अफेयर्स हो गए हमारे एटॉमिक uh, एनर्जी इस तरह के सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र सरकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिस्ट कानून बना सकती है फिर है स्टेट लिस्ट जिसमें एग्रीकल्चर है हेल्थ केयर है ये सब आ रहे हैं पॉलिसी वगैरह जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है कनकरेंट लिस्ट में दोनों यहाँ पे अपना लॉ बना सकते हैं तो एजुकेशन आता है कनकरेंट लिस्ट के अंदर और इसी के अंदर एक और एंट्री है है ना यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें वहाँ पे एक एंट्री है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देती है कि वो हायर एजुकेशन के रेगुलेशन के लिए लॉ बना सकता है और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप देखोगे यू जो है ये स्टैंडर्ड सेटिंग रोल प्ले करता है है ना और आप देखेंगे अपॉइंटमेंट के अंदर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के जो अपॉइंटमेंट है वहां पे भी इसके जो प्रोविजंस हैं वो लागू होते हैं अब हुआ क्या सरकार ने एक चेंज किया 2018 में 2018 में जो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत जो चांसलर होंगे मोस्टली द गवर्नर्स इन द स्टेट शेल अपॉइंट द वी ये कहा गया कि जो चांसलर हैं है ना उनको ये पावर दी जाती है कि वो वी को अपॉइंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमिटी रिपोर्ट है ना जो भी सिलेक्शन कमेटी नाम देगी उनमें से वो वाइस चांसलर को इस तरह से अपॉइंट ये किया जाएगा और यहीं से थोड़ा सा फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है और गवर्नर का जो से है मतलब जो रोल है जो पावर है वो बढ़ जाती है ना यूनिवर्सिटीज़ के रेगुलेशन वगैरह में तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि एक तरह का सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है ना मुख्य कानून का पार्ट नहीं है और आप इस तरह से ये बना के है ना स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है उनको अंडरमाइन कर रहे हो उनको अंडरमाइन आप कर रहे हो लेकिन ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अगर हम बात करें दैट वाज इन अप्रैल इसी साल की बात होगी जब गुजरात को लेके ये इशू सुप्रीम कोर्ट में गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपॉइंटमेंट एज ए वाइस चांसलर कॉन्ट्रेरी टू द प्रोविजंस ऑफ यूजीसी रेगुलेशन यूजीसी की रेगुलेशन के अगेंस्ट में अगर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो रहा है है ना दैट कैन बी इन द वायलेशन ऑफ इंस्टेट्यूटरी प्रोविजन इसको स्टेट्यूटरी प्रोविजन के वायलेशन के अंतर्गत ही माना जाएगा और हम यहाँ पे ये यह जो रिट है क्यू वारंटो इसको भी वो कर सकते हैं बाई वाट अथॉरिटी यू आर ओके हैविंग अ पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस क्या अथॉरिटी है जिसके हिसाब से आप वो पब्लिक ऑफिस को uh, uh, मतलब वहां पे बैठ रहे हो तो जो यूजीसी रेगुलेशन है वो तो ये कह रहे हैं कि ये uh, जो है वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है गवर्नर इस तरह से करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ पर्टिकुलर कमिटी और यहाँ पे यही था कि ये जो सरकार ने केंद्र सरकार ने ये जो कानून बनाया क्लियर क्या उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको माना जाएगा क्यों क्योंकि ये जो मुख्य यूजीसी एक्ट है उसी का एक पार्ट है उसी मुख्य कानून का एक पार्ट के रूप में है तो इसको डेफिनेटली मानना ही है स्टेट गवर्नमेंट के पास ये क्वेश्चन नहीं है कि हम इसको नहीं मानेंगे तो इन्होंने कहा कि एवरी सब लेजिस्लेशन ऑफ द यूजीसी इज द पार्ट ऑफ द मेन एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का मुख्य कानून है उसी का पार्ट है इसलिए इसको भी आपको मानना ही पड़ेगा और अगर कोई भी कंफ्लिक्ट होता है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया जैसे यहाँ पे ये यह बनाने का कोशिश कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का कानून है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी उसी विषय पे वो कानून है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को माना जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन है आर्टिकल टू uh, के अंतर्गत कि जो सेंट्रल केंद्र सरकार का, का कानून है उसको माना जाता है अगर एक ही विषय पर दोनों कानून टकरा रहे हैं कंकरेंट लिस्ट में होने की वजह से तो केंद्र सरकार वाले कानून को सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन को माना जाएगा तो इस केस में भी वही आपका होता हुआ दिख रहा है तो ये ध्यान रखना है ये जीएस पेपर टू में आपके जो फेडरल इश्यूज है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो इश्यूज है उससे आप इसको लिंक करोगे रोल ऑफ गवर्नर से लिंक करोगे गवर्नर का कोई क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट पहले भी पूछे हुए तो वहां पे इस कंट्रोवर्सी को मेंशन करना है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार न्यूज में आ रही है ये पिछले एक साल में तीन चार बार चर्चा में है तो इस तरह के इश्यूज को अगर आप मेंशन कर रहे हो वो आपके आंसर को और ज्यादा रेलिवेंट बनाएगा काशी तमिल संगम कर चुके हैं नेक्स्ट आएंगे वी हैव दिस ये इकोनॉमी वाला तो एटी वन का थाना एटी वन बॉन्ड तो ये तो हमने शुरू में एमसीक्यू के फॉर्म में इस टॉपिक को कवर कर लिया एडिशनल टायर वन बॉन्ड तो ये शुरुआत में ही हो गया हमारा साइंस एंड टेक पे आते हैं साइंस एंड टेक पे इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अग्नि फाइव बैलिस्टिक मिसाइल को क्लियर तो अब यहाँ पे क्या आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से चीजें ध्यान रखनी है देखो दो तीन चीजें यहाँ बनती है अच्छा ये बैलिस्टिक मिसाइल है हाउ दिस बैलिस्टिक मिसाइल इज डिफरेंट फ्रॉम क्रूज मिसाइल फर्स्ट थिंग क्या ये आईसीबीएम है इंटरकॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है हाउ दिस इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एंड ऑल फिर एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो अग्नि है इसको डेवलप किया गया था यू हैव इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है ये छोटी छोटी चीजें हैं इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है बट यू शुड बी अवेयर डेफिनेटली ठीक है तो अग्नि मिसाइल अगर आप देखोगे तो इसमें ये कह रहे हैं अग्नि फाइव जो है ये पाँच हज़ार किलोमीटर की रेंज तक है इसका मतलब है जो बीजिंग है है ना वो इंडिया की रेंज में आ गया बीजिंग तक ये आपका आराम से जा सकता है क्लियर है तो अभी चाइना की तरफ से जो इनकर्जन हुआ था हमने देखा था तवांग के अंदर जो इशू हुए तो उसके आ, सेंस में भी इसको देखा जा रहा है है ना कि बता दिया जाए चाइना को कि इस तरह से इंडिया इज़ फुली रेडी टू प्रोटेक्ट इट्स ऑन बॉर्डर्स तो रेंज पाँच हज़ार बताई जा रही है ये जो है न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है न्यूक्लियर परमाणु हथियार ले जा सकती है ठीक है मीडियम टू लॉन्ग रेंज पे है इंटर कॉन्टीनेंटल रेंज भी है लेकिन अभी गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम इंटर कॉन्टीनेंटल रेंज पर नहीं गए हैं हालाँकि चाइना ये कह रहा है कि इसकी जो रेंज है ना वाकई में आठ किलोमीटर है ये चाइना का जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसको अगर आप देखोगे सो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग चाइना क्या कह रहा है कि ये जो अभी इन्होंने परीक्षण किया है ना ये इसकी वाकई में जो रेंज है पाँच हज़ार किलोमीटर ये बता रहे हैं कहीं पे साढ़े पाँच हज़ार लिखा हुआ है न्यूज़पेपर्स में लेकिन चाइना ये कह रहा है कि इसके आठ हज़ार किलोमीटर है वाकई में इंडिया कह रहा है अभी हमें कोई अर्जेंट नीड नहीं है कि हम इंटर मिसाइल को डेवलप करें है ना कि मतलब हमें किसी यूरोप में किसी कंट्री से खतरा हो गया बहुत इमीनेंट थ्रीट है मेजर जो है वो तो चाइना और पाकिस्तान ही है ना मेजर इश्यूज़ हमारे लिए तो अभी के हिसाब से इंडिया कह रहा है कि हमारा पाँच हज़ार किलोमीटर का ये रेंज है और ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये कब डेवलप की गई इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्ट में डेवलप की गई अब इसमें आपको ध्यान रखना है जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये 2008 में पूरा हो चुका है और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पांच मिसाइल्स हमारी डेवलप की गई हैं इनके नाम ध्यान होने चाहिए है ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है नाम नहीं पूछा है लेकिन पूछा है कि हाँ ये सरफेस टू एयर है सरफेस टू सेयर समथिंग लाइक दिस तो इसको कैसे याद करोगे एक निमोनिक बना लो पटना ना, है ना पी फॉर पृथ्वी मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अभी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल क्या होती है उस पर भी आएंगे आकाश मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है <laughs> सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश मिसाइल चर्चा में थी जब गलवान वैली क्लैश चल रहा था इंडिया ने अपने लद्दाख वाले एरिया के अंदर आकाश मिसाइल को रखा था ताकि हम प्रोटेक्ट करें हमारा एयर स्पेस की चाइना की तरफ से कोई कोई एयरक्राफ्ट आता है कुछ भी आता है तो उसको वहीं उड़ा दिया जाए ना कोई मिसाइल अटैक हो रहा है तो हम क्या कर सकें अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड कर सकें तो एयर डिफेंस मैकेनिज्म के हिसाब से आकाश मिसाइल को लगाया गया तो ये क्या करती है सरफेस से एयर के अंदर फाइन नाग मिसाइल है एंटी टैंक मिसाइल्स है त्रिशूल मिसाइल है सरफेस टू एयर मिसाइल है लेकिन ये शॉर्ट रेंज है जबकि आकाश मीडियम रेंज है फिर आ जाती है अग्नि जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये पांचों मिसाइल इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में डेवलप की गई अब बात आता है अग्नि जो मिसाइल है ये एक तरह की क्या है बैलिस्टिक मिसाइल है तो और क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नाम आपने सुना होगा ब्रह्मोस मिसाइल जो इंडिया और रशिया दोनों ने साथ मिलकर डेवलप किया है तो ब्रह्मोस मिसाइल हाउ दिस ब्रह्मोस मिसाइल विच इज अ क्रूज मिसाइल इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैलिस्टिक मिसाइल देखो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये जैसे रॉकेट होता है ना रॉकेट इंजन होता है उस तरीके से काम कर रहा है जबकि क्रूज मिसाइल जेट इंजन की तरह से वर्क कर रहा है तो क्रूज मिसाइल में क्या होगा कांस्टेंट प्रोपल्शन रहेगा लगातार इसको इस तरह से मिलता रहेगा जबकि इसमें इनिशियल पुश ज्यादा होगा है ना और एटमोसफियर के बाहर तक ये जा रहा है इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल एक प्री डिफाइंड पाथ फॉलो करेगा जैसे गया इस तरह से आएगा तो प्री डिफाइंड पाथ बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो कर रहा है इसको न्यूट्रलाइज करना आसान होगा इन कंपेरिजन टू क्रूज मिसाइल है ना क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी भी ज्यादा है और इसको न्यूट्रलाइज करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि प्री डिफाइंड पाथ नहीं है देखो ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है तो यही डिफरेंसेज हैं इनको ध्यान रखना ये टेबल फॉर्म में हमने लगा दिए हैं इंपॉर्टेंट है है ना एग्जाम के लिए तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं अग्नि अग्निफाइव के बारे में ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंटर कॉन्टिनेंटल बेलिस्टिक मिसाइल क्या होती है लगभग साढ़े पाँच हजार या छः हजार किलोमीटर से ज्यादा उसकी रेंज होगी तो आई माना जाएगा जैसे अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एक आईसीबीएम को किया है क्योंकि उसको खतरा है यूएसए से है ना तो वो और यूरोप के काफी कंट्रीज से तो वो चाहता है कि पूरा विश्व ही मैं ऐसी मिसाइल बना लूँ कि पूरे विश्व में कहीं पर भी उसको लॉन्च कर दूँ ठीक है ताकि मुझे कोई नहीं छेड़े है ना मुझे छेड़ने से पहले सामने वाला सोचेगा कि ये पता नहीं ये न्यूक्लियर ये वाली मिसाइल इसने डाल दी तो मेरे पे भी आ सकता है मेरे पे भी आ सकता है तो वो क्या हो गया एक तरह का डेटरेंस हो गया है ना डेटरेंस फैक्टर हो गया डेटरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सिग्निफिकेंस रशिया यूक्रेन वार में आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि अगर यूक्रेन के पास में परमाणु हथियार होते तो रशिया इतनी बुरी तरह से इन्वेजन नहीं करता क्लियर दिस इज़ फॉर श्योर क्योंकि इस केस के अंदर यूक्रेन के एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन है तो वो न्यूक्लियर या परमाणु हथियार यूज कर सकता था तो रशिया को ये डर रहता ठीक है कि न्यूक्लियर वॉर ब्रेकआउट कर जाएगा अभी यूक्रेन के पास तो है नहीं तो ये आईसीबीएम होती है और रेंज काफी ज्यादा होती है स्पीड काफी ज्यादा होगी नॉर्मल उसके कंपेरिजन में साइंस एंड टेक पे आते हैं थॉरेसिक एरोटिक एंड न्यूरिज्म ये क्या होता है थॉरेसिक मतलब ये वाला जो आपका पार्ट है यू हैव दैट चेस्ट रीजन एंड ऑल एरोटिक रिलेटेड है हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं दो तरह की ना एक होती है आर्टरीज क्लियर आर्टरीज होती हैं और एक होती है वीन्स तो जो वीन्स होते हैं उसके अंदर तो इम्प्योर ब्लड रहता है इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड का मतलब है कि इम्प्योर ब्लड कह रहे हैं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है प्योर ब्लड आर्टरीज कैरी करती हैं और इसमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ये ब्लड होता है एक एक्सेप्शन याद रखना पल्मोनरी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी ये एनसीआरटी में पढ़ोगे आप जनरल साइंस पढ़ते हो वहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है हर्ट से हर्ट से जो ब्लड है उसको लंग्स में ले जा रही है और ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा होता है तो ये इम्प्योर माना जाएगा लेकिन ये जो हर्ट से ब्लड लंग्स में जा रहा है वहीं से फिर ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आएगा क्लियर तो ये कह रहे हैं जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर ही एक uh, uh, जो एवोटिक हमारी ये आर्टरी है।, है ना और इसमें जो uh, Aota है दिस इज़ द द मेन आर्टरी दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हर्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब मेन वो आर्टरी जो हर्ट से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड पूरी बॉडी में लेके जा रही है तो वहां पे क्या होगा उस ये जो आर्टरी है उसकी अगर जो वॉल्स हैं ये क्या होंगी थिक होना स्टार्ट हो जाएंगी क्लियर बल्जिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी और जो वैसल्स हैं वो वाइड होना स्टार्ट हो जाएगी अप टू फिफ्टी परसेंट तक इतना वाइड होगी कि वो रक्चर कर जाएगी ना फट जाएगी इस तरीके से और वो हार्ट से ब्लड को ले जाने वाली मेन आर्टरी है काफ़ी बड़ी जिससे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो अगर ये अल्टीमेटली बर्स्ट कर जाती है क्लियर तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग इशू होगा इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कि लाइफ थ्रीटनिंग सिचुएशन हो सकती है डेथ भी हो सकती है तो अभी ये कॉन्ट्रावर्सी भी थी हालांकि कई चीज़ें इससे जोड़ी गई लेकिन यहाँ पे हमारे काम की जो चीज़ है वो ये डिजीज़ है क्या होती है अब इसमें क्या पूछेगा कि हाँ ये है तो ये क्या कंडीशन है है ना क्या किस चीज़ से रिलेटेड कंडीशन है क्या इसमें ब्लड वेसल का हो रहा है लीवर का ऐसे कुछ ऑप्शन करके आपको पूछ देगा तो बेसिक आइडिया ध्यान रखो प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है तो एन्यूरिज्म क्या हो गया जहाँ पे जो ब्लड वेसल है है ना उसकी वॉल्स क्या हो रही है वीक हो रही है वीक होकर इस तरह से फैल रही हैं फाइनली रप्चर हो रहा है ठीक है तो ये हो गया एन्यूरिज्म थॉरसिक एओर्टिक क्यों कह रहे हैं थॉरसिक इस पार्ट के अंदर है जनरली वैसे एबडोमिनल में होता है लेकिन थॉरसिक पार्ट ये हो गया जहां पे ये हुआ है केस और यू हैव दिस चेस्ट रीजन एंड ऑल और एओटिक तो आपकी जो मेन आर्टरी है उसकी हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छी न्यूज है क्या न्यूज है यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है गंगा प्रोजेक्ट ये है नमामि गंगे नमामि गंगे को रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड के टॉप टेन प्रोग्राम्स के अंदर जो कि वाकई में जो रिस्टोरेशन uh, का प्रोसेस है है ना उसको इंश्योर कर रहे हैं नेचुरल वर्ल्ड के रिस्टोरेशन में हेल्प कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंट्रीज आई थी वो 75 लगभग 70 देशों से 150 एंट्रीज थी 150 ऐसे इनिशिएटिव थे जो यहाँ पे कॉम्पीट कर रहे थे और नमामि गंगे जो प्रोग्राम है उसने इस टॉप टेन के अंदर एंट्री मारी है मतलब सरकार का जो नमामि गंगे प्रोग्राम है उस पर यूनाइटेड नेशन ने स्टाम्प लगा दिया क्या लगा दिया कि हाँ आपका ये जो प्रोग्राम है ना काम कर रहा है इससे वाकई में क्या हो रहा है गंगा में पॉल्यूशन कम हुआ है 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था पहले ये समझ लेते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम फिर हम वापस इस न्यूज पे आएंगे यू विल डेफिनेटली मेक मोर सेंस ऑफ दिस न्यूज क्योंकि आपको नमामि गंगे के बारे में बेसिक चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए अदरवाइज केवल ये न्यूज पढ़ने से फिर काम नहीं बनेगा नमामि गंगे प्रोग्राम को दो में स्टार्ट किया ये एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है सर फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या होते हैं गवर्नमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं ऐसे इश्यूज जैसे हेल्थ केयर हो गया है ना हाउसिंग हो गई तो जैसे आप देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना है या मनरेगा है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है तो उसी तरह से इसको भी फ्लैगशिप इनिशिएटिव दिया गया मतलब ये बता रहा है कि हमें जो गंगा को क्लीन करना चाह रहे हैं है ना वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कमिटमेंट के साथ गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को लाई नमामि गंगे प्रोग्राम को दो में लाया गया ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये कितने हजार करोड़ है ये लिखने की जरूरत नहीं है याद करने की भी जरूरत नहीं है जस्ट टू मेक यू अवेयर कि हाँ सरकार की तरफ से कितना पैसा शुरू में दिया गया है फाइन तो देखिए दो ऑब्जेक्टिव थे एक तो था गंगा में जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है उसको कम करना है ना वहां पे कंजर्वेशन एंश्योर करना रिजुविनेशन करना नेशनल रिवर गंगा का तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ आया गया काफ़ी सारे जो यहाँ पे कहा गया कि यहाँ आप कैसे करोगे इतना पॉल्यूशन लोड है कैसे करोगे और ये कोई गंगा को क्लीन करने का प्रोग्राम नया नहीं है गवर्नमेंट नाइनटीन लेट एटीज से प्रयास कर रही है अगर आप देखोगे ये जो गंगा एक्शन प्लान है सरकार ने उन्नीस में लॉन्च किया था 1985 में गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया था उसमें भी यही था कि हम जो सीवेज गंगा में जा रहा है है ना इंडस्ट्रियल जो ये जा रहे हैं इनको रोकने का प्रयास करेंगे फाइन लेकिन ये वो रिजल्ट हमें नहीं मिले तो प्रयास तो काफ़ी लंबे समय से जारी है फिर इसी तरह से नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी 2009 में बनाई गई और इसका भी यही था कि गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लीयर करते हैं और इसमें पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास किया जाएगा हालांकि वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिले और फिर जब नमामि गंगे प्रोग्राम आया जिस तरह की प्रोग्रेस चल रही थी तो फिर यही क्रिटिसिज्म हुआ कि प्रोग्राम पहले भी लॉन्च हुए लेकिन अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा तभी तो यूनाइटेड नेशन को इसको इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है तो उस कॉन्टेक्स में हमें नमामि गंगे डिस्कस करना है तो ये ऑपरेट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कौन सी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये याद होना चाहिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज द इंप्लीमेंटेशन विंग फॉर नेशनल गंगा काउंसिल है ना नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में बनी जिसने ये जो रिवर बेसिन अथॉरिटी थी इसको रिप्लेस किया ठीक है तो वर्तमान में आप देखोगे तो इस तरह से नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है इसके मेजर प्रोविजंस क्या हैं ये पॉइंट फॉर्मेट में याद रख लो सारे याद नहीं रहते हैं तो कम से कम पांच छह पॉइंट याद होने चाहिए जिसपे आप कर दो सारे ही कर लेना क्योंकि प्रॉब्लम्स में भी ऑप्शन पुट कर सकता है बहुत इंपॉर्टेंट ये मेन पिलर्स नमामि गंगे के सीवरेज जो आ रहा है है ना सीवरेज जो है वो डायरेक्ट गंगा में इस तरह से ना जाए इसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे जो जो सिटीज हैं बड़ी बड़ी सब जगह पे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे रिवर सरफेस को क्लीन किया जाएगा ए फॉरेस्टेशन किया जाएगा बैंक्स के दोनों तरफ दोनों किनारों पे काफी सारे पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लिया है जहां पे गवर्नमेंट ने इसी बजट में अनाउंस किया था कि हम नेचुरल फार्मिंग को भी प्रमोट कर रहे हैं और उसके लिए गंगा के दोनों जो किनारे हैं है ना वहाँ पे हम बिना फर्टिलाइजर और बिना केमिकल्स के कृषि को बढ़ावा देंगे जिससे क्या होगा पानी भी साफ होगा वो जो एफ्लुएंट है वो उसमें नहीं जाएंगे फर्टिलाइजर्स वगैरह इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज है इंडस्ट्री के उसको मॉनिटर करना उसको कम करना रिवर फ्रंट को डेवलप करना क्लियर क्लीन करना वहाँ पे बैठने एस्थेटिक्स को डेवलप करना लोग वहाँ बैठ सकें अच्छे से इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पब्लिक अवेयरनेस और गंगा ग्राम तो ये मेजर इसके पिलर्स हैं इस माध्यम से गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही थी और नमामि गंगे प्रोग्राम जो है इसके लिए जो आप देखोगे जो कॉप फिफ्टीन है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की ये क्या कह रही है ये कह रही है कि क्लाइमेट चेंज है पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडस्ट्रियलाइजेशन इरिगेशन इन सब की वजह से गंगा का जो लगभग ढाई हजार किलोमीटर का स्ट्रेच है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड हो गया था पॉल्यूटेड हो गया था और ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इस इनिशिएटिव के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ब, आ, अच्छी हुई है पॉल्यूशन कम हुआ है फॉरेस्ट कवर बिल्ड किया जा रहा है ना और काफ़ी सारे बेनिफिट यहाँ पे दिए जा रहे हैं लगभग यू हैव दिस ऑलमोस्ट फिफ्टी करोड़ पीपल वो आर लिविंग इन दिस पेसिन तो उनको ये सारे बेनिफिट यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये जो रिकॉग्निशन हुआ है ये हुआ है यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिफॉर्मेशन रिस्टोरेशन ये एक तरह का मूवमेंट है कौन कौन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है दोनों का नाम ध्यान रखो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों एजेंसीज हैं तो इसके बैनर के अंतर्गत ये रिकॉग्निशन टॉप टेन का दिया है और ये जो टॉप टेन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है पूरे वर्ल्ड में अगर इसकी बात करें तो ये कितना लैंड को रिस्टोर करने के लिए लग रहे हैं ऐसी लैंड जो कि एरिया बिगर है म्यांमार फ्रांस सोमालिया इतने देशों से भी ज़्यादा बड़ा एरिया है काफ़ी सारे जॉब्स वो क्रिएट कर रहा है फिफ्टीन मिलियन जॉब्स ये क्रिएट कर रहा है तो अच्छी बात है इसका रिकॉग्निशन का फ़ायदा क्या हो गया फ़ायदा ये हो गया कि गवर्नमेंट को एक गुड गवर्नेंस का है ना वो बेनिफिट मिल गया सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ वाकई में इम्प्रूवमेंट हो रहा है दूसरा ये होगा कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से इसको फंडिंग आएगी है ना जो भी और इनपुट्स हैं एडवाइजरी इनपुट हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा वो सारे बेनिफिट अब नमामी गंगे को यहाँ पे मिलेंगे तो टेक्निकल सपोर्ट हो गया फंडिंग सपोर्ट हो गया ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनको मिल सकती है तो ये का, काफ़ी बड़ा एक बेनिफिट आपका हो जाएगा तो दिस इज ऑल आंसर राइटिंग के लिए ये आपका क्वेश्चन है ट्राई टू राइट द आंसर देखो आंसर आप है ना कमेंट सेक्शन जो होता है ये जब लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो बिकॉज आई पर्सनली गो थ्रू द कमेंट्स और अगर आपका कमेंट में ही वो आंसर वहाँ पर रहेगा यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट द इनपुट्स ऑल्सो तो कोशिश करिए वहाँ पर काशी तमिल संगम इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काशी एंड टाइमलेस सेंटर्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन आई द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज काइंड ऑफ इनिशियटिव इन यूनाइटिंग इंडिया स्पिरिचुअली, कल्चरली एंड हिस्टोरिकली ये पेपर वन में आपको पूछ सकता है आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से ठीक है इंडिया के यूनिफिकेशन में इनका क्या रोल है हो सकता है इसी थीम पे आपको पेपर फोर में कुछ दिया जाए या फिर एस के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है तो छोटा सा लिखना है आपको वन फिफ्टी है ना अगर आंसर में आपने सारी चीजें इंक्लूड की हैं तो हंड्रेड टू हंड्रेड ट्वेंटी वर्ड्स के अंदर भी चल जाएगा काम सेशन का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिलेगा ये जो हमारी क्लास है ये डेली बेसिस पे आपकी होती है सात बजे ठीक है डेली करंट अफेयर की ये हमारी जो क्लास है इसको हम इस तरह से कर रहे हैं सो दिस इज ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन और अगर आपको सेशन हेल्पफुल लग रहा है ना आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बेनिफिट है तो प्लीज डू शेयर दिस सेशन विद अदर एक्सपीरियंस या फिर जो कोई भी आपका जहां पे है वहां पे आप कर सकते हैं सो दिस ऑल अनकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं इज द लास्ट डे टू अवेल दीज आपको दिया जा रहा है अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या होगा अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूड हो जाती है जहाँ पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है घर बैठे आपको अनलिमिटेड क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है ठीक है ना आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं आंसर राइटिंग है अनलिमिटेड प्रैक्टिस है टेस्टिंग वो सब एक ही सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड हो रहा है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सारे ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूड हो गए तो पूरी प्रिपरेशन एक जगह हो रही है और ये अभी फोर्टी तक डिस्काउंट जो आपको दिए जा रहे हैं एटीन मंथ सब्सक्रिप्शन पे इसको अवेल कर सकते हो यूज द कोड आर लाइव सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन होगा फाइन और ये कोड आप यूज करेंगे तो वो डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएंगे वैन यू यूज दिस कोड यू विल बी गेटिंग द पर्सनल गाइडेंस एज वेल आइकॉनिक की कुछ एडेड एडवांटेज हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं लाइक लाइव मेंटरशिप वगैरह इसके अलावा नए बैचेज आपके अभी पंद्रह से हिंदी मीडियम के लिए स्टार्ट हुआ है बाइलिंगल वाले जो बैच हैं वो आपके बाईस दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं फाइन और आई आर एम एस सर्विसेज के लिए बाईस अट्ठारह दिसंबर से ही हो रहा है स्टार्ट तो अगर आप आई आर एम एस को टारगेट कर रहे हैं नई सर्विस अलग कर दिए यू पी एस सी ने ये तो ऑप्शनल के लिए अलग से भी जा सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए भी अलग से जा सकते हैं और काफ़ी सारे डिस्काउंट हैं इनका फ़ायदा आप ले सकते हो प्री स्कॉलरशिप टेस्ट 18 दिसंबर को रहेगा और इसके अलावा फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए भी जा सकते हैं सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ऑल द वेरी बेस्ट गाइज ओके हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब